नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम इन्फ्लेशन पे बात करेंगे। मैं डेफिनेशनल पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं इन्फ्लेशन पे एक सेपरेट फीचर इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से इन्फ्लेशन इन इंडिया, पूरा फूड फूड इन्फ्लेशन, इस सब पे मैं अलग से फीचर करूँगा। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। बहुत आसान फार्मूला है तो इस पे अक्सर बात नहीं होती है, तो मुझे लगा पहले हम इन्फ्लेशन को कर लें, क्योंकि आजकल पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में फूड इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड हाई हो रहा है 6 साल में। मतलब अलग अलग बातें आ रही हैं इन्फ्लेशन को लेकर। तो बेसिक इन्फ्लेशन की जो बहुत सिंपल डेफिनेशन है वो यही है कि टू मच, जिसको कहते हैं टू मच मनी स्टेजिंग टू फ्यू गुड्स। तो बहुत सारा पैसा बहुत कम चीज़ों की तरफ अगर जा रहा है तो इन्फ्लेशन शूट अप कर जाएगा। आसान लैंग्वेज में कहेंगे कि हम इसकी, अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो डेफिनेटली उसका प्राइसेस जो है वो शूट अप हो गई होगा। तो इन्फ्लेशन को कहते हैं द फिनोमिना ऑफ राइजिंग प्राइसेस। तो जिस तरीके से बहुत सारे इन्यूमरेबल गुड्स और सर्विसेज कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं, तो इम्पॉसिबल होता है कि किस तरीके से उनके अंदर इंडिविजुअली जो प्राइस में चेंज आ रहा है, फिर उसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बेसिकली ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसको आसान बनाने के लिए हम सबसे पहले, जब हम इन्फ्लेशन डिस्कस करते हैं, तो पहले हम बिल्कुल ब्रीफ में हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं, जैसे कोर इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो बेसिकली ये अलग अलग जो तीन तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं, इनकी वजह से जो इन्फ्लेशन रेट होता है, बेसिकली वो इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट इस तरह से किया जाता है कि परसेंटेज चेंज होता है ये ऑफ अ सर्टेन प्राइस इंडेक्स, एक पर्टिकुलर प्राइस इंडेक्स का, और सीपीआई जो होता है हम इसको यूज़ करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है, जिस तरह की अमेरिका में इसका यूज़ होता है, यूके में होता है, जापान में होता है, चाइना इसको यूज़ करता है। तो वो सीपीआई को एज अ इंडिकेटर, मैंने पिछले लेक्चर में होलसेल प्राइस इंडेक्स पर डिटेल से बात की थी, मैं सीपीआई पर भी डिटेल से बात करूंगा, पूरा एक नया लेक्चर बनाऊंगा। तो अभी हम मान के ही चलते हैं कि ये अलग अलग कंट्रीज़ में होता है, और इंडिया ने भी जो है पहले WPI यूज़ करते थे, उसके बाद हम लोग अब CPI की तरफ। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ परस्पेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो जो डेट है हमारी अप्रैल 2014। आप ये डेट को याद रखिएगा कि जो इंडिया जो मूव किया था WPI से CPI को लेकर फॉर कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन, तो हमने उसको अप्रैल 2014 से हमने इसको ले लिया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं मेथड कैसे है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का। जो बेसिकली इसका जो फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूला है। इसमें अगर आप देखें तो अगर हमारे पास दो सीपीआई वैल्यूज़ हैं, दो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो अलग अलग महीनों की वैल्यूज़ होंगी, अलग अलग साल की वैल्यूज़ होंगी, तो हम उसको किस तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसको इलस्ट्रेशन करके भी दिखाएंगे, कि एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा। तो इन्फ्लेशन रेट का बेसिक जो फार्मूला होता है बहुत सिंपल है, कि सीपीआई जो होगा, जो एंड ऑफ द ईयर होगा, उससे हम माइनस करेंगे जो सीपीआई हमारा होगा बिगनिंग ऑफ द ईयर, और उसको हम डिवाइड कर देंगे बिगनिंग ऑफ द ईयर के सीपीआई से, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस फार्मूले से हमारा जो है, हमारा मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन हमें काफ़ी हद तक मिल जाएगा। तो सीपीआई, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सीपीआई जो होगा एंड ऑफ द ईयर, और सीपीआई जो बिगनिंग ऑफ द ईयर, उन दोनों का डिफरेंस, और वो डिवाइड होगा आपका सीपीआई जो हमारा बिगनिंग ऑफ द ईयर था, साल की शुरुआत में या किसी महीने का अगर हम लेंगे, और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे को इन्फ्लेशन रेट मिल जाएगा। अगर हम बात करें, अगर हम इसको एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें, मान लीजिए कि हमारा जो सीपीआई है वो जनवरी 1 को 2018 को 105 है, और जो सीपीआई है हमारा जनवरी 2019 में हमारा 110 हो जाता है, तो उसमें जो इन्फ्लेशन होगा वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सेम वही फार्मूला लगाएंगे हम, बेहद आसान फार्मूला है। इन्फ्लेशन रेट ऑफ द ईयर हो जाएगा हमारा सीपीआई जो एंड ऑफ द ईयर होगा, सीपीआई जो बिगनिंग ऑफ द ईयर, इनका डिफरेंस, और ये डिवाइड होगा आपका जो सीपीआई है हमारा बिगनिंग ऑफ द ईयर से, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन्फ्लेशन रेट हमारा क्या निकल करके आएगा, 110 जो हमारा 2019 में था, और उससे हम माइनस करेंगे 105 को, और उसके बाद वो दोनों की फिगर जो आएगी उसको हम 105 से डिवाइड करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 4.76% आ जाता है। तो बेसिकली जो हमारा इन्फ्लेशन रेट होगा उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमारा 4.76% होगा। चलिए हम इसके आगे बात करते हैं। तो बेसिकली जब हम कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो इसमें तीन चीज़ें जो हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन के जो इंडिकेटर्स होते हैं, उससे गवर्नमेंट को हमेशा उसके लिए चिंतित रहते हैं, RBI उसके लिए हमेशा वरी करता है। तो इलिक्विडिटी को जैसे स्क्वीज़ किया जाता है,
ताकि जो इन्फ्लेशन है मार्केट में वो ना बढ़े। इनको मतलब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, लिक्विडिटी बढ़ाएंगे कम करेंगे, ये सारे जो मद्देनज़र जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेसिकली जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक जिनको यूज़ करता है बेसिकली उसके जो कोर परस्पेक्टिव में रहता है वो इन्फ्लेशन का खतरा हमेशा बना रहता है। कई बार रिफ्लेशन भी हो जाता है इकोनॉमी के अंदर, तो उसको हम इन्फ्लेशन के लिए जब हम फीचर करेंगे उसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एट्सेट्रा। यहाँ पर हम कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। तो जब हम इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे पास मॉनेटरी मेजर्स, फिस्कल पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। तो इनको हम डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर में, और बेसिकली जो इसके आगे जाता है हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसको हम IIP, इसको वापस देखें तो इन्फ्लेशन को जो हम बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन से फिनोमिना ऑफ इसको कहते हैं राइज इन प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके बाद इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी जो करेंसी होगी एक टाइम के बाद हम उसको, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये में अभी कुछ ले पाते हैं तो 2 साल के बाद उसी 100 रुपये में उसकी परचेजिंग वैल्यू उसी गिर जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन हैज़ टेकन ओवर योर सेविंग्स। इन्फ्लेशन सबसे खतरनाक फिनोमेना इकोनॉमी के अंदर, काफ़ी वोलेटाइल इकोनॉमी को, और काफ़ी अगर महंगाई किस तरह से बढ़ती है, हाइपर इन्फ्लेशन जैसे जर्मनी का हुआ था। तो बेसिकली जो इन्फ्लेशन को लेकर के गवर्नमेंट के पास जो कंट्रोलिंग मेथड्स हैं वो तीन हैं, मॉनिटरी मेजर्स हैं, फिस्कल मेजर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं। मॉनिटरी मेजर्स में वो डिटेल में जैसे मैंने अभी बताया कि एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ कर सकती है उससे इंटरेस्ट रेट से, उसको घटा सकती है, बैंकों का CRR SLR पे चेंज कर सकती है, रेपो रेट पे, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट की फैसिलिटी को एडजस्ट करती है। ये सारे आपके मॉनिटरी मेजर्स के अंडर आएंगे, इसको हम डिटेल में करेंगे। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या है कि वो टैक्सेशन बढ़ा सकती है, वो डिक्रीज कर सकती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी। जैसे मान लीजिए इसको कहते हैं कि जैसे हमारा रिजल्ट्स इन कंज्यूमर एंड फर्म्स के पास अगर कम होगा तो कपल्ड विद लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो उससे क्या होगा हमारा एग्रीगेट डिमांड को हम रिड्यूस कर लेंगे, लेकिन सब्सिडाइजिंग द कॉस्ट ऑफ फर्म्स विल डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इस तरीके के जितने मेजर्स हैं जो सरकारी टैक्स को लेकर लगाती है वो फिस्कल पॉलिसी के हेडिंग के अंदर आ जाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में जैसे हमारा कि किसी को हम बैन कर दें किसी गुड्स को या पर्टिकुलर गुड्स को, या हम उसको सस्पेंशन कर दें फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, या फिर हमें जैसे अभी हमारा एग्रीकल्चर प्राइसिंग में जो बजट में भी आया था इकोनॉमिक सर्वे और बजट में जो स्टार्क डिफरेंस था वो ये था कि एक्सपोर्ट सेक्टर को बैन, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को ना बैन किया जाए। तो ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे का व्यू था, लेकिन गवर्नमेंट का व्यू उससे बिल्कुल उलट था। तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये मैंने बजट वाले लेक्चर में डिटेल में बात की है। तो बेसिकली हम आगे की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और हम इन्फ्लेशन को डिटेल में भी करेंगे और इन्फ्लेशन इंडिया पे सेपरेट फीचर और बहुत अच्छे फीचर बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।